हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल एसीसी ट्यूटोरियल। आज मैं आपको क्लास ट्वेल्थ के लिए रेनबो पार्ट टू से पोएट्री सेक्शन से सिक्स चैप्टर का समरी लेकर आया हूं, जिसका नाम है द सोल्जर सैनिक। इसको कंपोज किया है रूपर्ट ब्रूक। समरी को शुरू करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर का थीम बताने जा रहा हूं। इसका थीम एक देशभक्त सैनिक पर आधारित है। एक देशभक्त सिपाही इस पाठ में एक देशभक्त सिपाही की इच्छा की व्यक्ति है इस पाठ में एक देशभक्त सिपाही की इच्छा की व्यक्ति है एक देशभक्त सिपाही मरणोपरांत अपनी यादों को किस रूप में जीवित रखना चाहता है, वही इस कविता में प्रस्तुत करता है। कह रहा है कि एक देशभक्त सिपाही जो है अपने मरण उपरांत अपनी यादों को किस रूप में जीवित रखना चाहता है, वही इस कविता में प्रस्तुत करता है। तो मेन थीम इसमें दिया गया है कि एक देशभक्त सिपाही अपने यादों को देश के प्रति जो है कैसे देश के लोग उन्हें याद करेगा, उसी को प्रस्तुत करता है। वो अपने शब्दों के माध्यम से बताकर वाक्यों के माध्यम से इसमें प्रस्तुत किया है। तो चलिए आज जानते हैं इसका समरी जानते हैं। द सोल्जर है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया। सोल्जर जो रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है, अब जानते हैं समरी को। द सोल्जर इज ए सोनेट या पेट्रियोटिक पोयम कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। सोल्जर जो है एक लघु गाथा है। सोनेट कहने का मतलब होता है लघु गाथा। सोनेट जो होता है लघु गाथा होता है, जो 14 पंक्तियों का होता है, 14 लाइन का होता है। फिर है पेट्रियोटिक पोयम, देशभक्ति कविता है। देशभक्ति इसलिए कहा गया कि इसमें देश के प्रति भक्ति किया गया, गुणगान किया गया। कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक, जिसको रचा है रूपर्ट ब्रूक ने। ही वॉज बोर्न ऑन 3 अगस्त 1887 एट रग्बी यूके इंग्लैंड। उनका जन्म जो हुआ है वो 3 अगस्त को हुआ है 1887 में, और वो जगह का नाम है रग्बी, जो यूके इंग्लैंड में है। ही इज रिमेम्बर्ड एज वार पोएट, उन्हें युद्ध कवि के रूप में याद किया जाता है। रूपर्ट ब्रूक को युद्ध कवि के रूप में याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने युद्ध कविता लिखा, इसलिए। अब आगे हम लोग देखते हैं, द पोएट इज हिमसेल्फ ए सोल्जर इन दिस पोयम। इस कविता में द सोल्जर पोयम में कवि खुद ही एक सैनिक है। कवि जो है इसमें खुद ही एक सैनिक है। द पोएट प्रेजेंट्स ए फाइन फीलिंग ऑफ ए सोल्जर, और इस कविता में एक सैनिक के सुंदर विचारों को व्यक्त करते हैं। कवि जो है इस कविता में एक सैनिक के सुंदर विचारों को प्रस्तुत करते हैं, व्यक्त करते हैं कि सैनिक जो है अपने किस तरह के विचार रखता है देश के प्रति, उसी को इस कविता में व्यक्त करते हैं। He wants to fight for his country and dies for his country. रूपर्ट ब्रूक कहते हैं कि वो अपने देश के लिए लड़ना चाहते हैं और अपने देश के लिए मरना चाहते हैं। He says if he died during war in foreign country, और यह भी कहते हैं कि यदि वो विदेशी जमीन पर युद्ध के दौरान मर भी जाए, buried there, और वहां पर दफना भी दिया जाए, यदि वो विदेश जमीन पर वो शहीद हो जाए वहां पर और वहां पर उनको दफना भी दिया जाए, he will be remembered एज ग्रेट सोल्जर, तो उनको एक महान सैनिक के रूप में याद किया जाएगा। कहते हैं कि यदि मेरी मृत्यु युद्ध के दौरान विदेशी जमीन पर हो जाती है, वहां मुझे दफना दिया जाता है, तो भी मुझे एक महान सैनिक के रूप में याद किया जाएगा, मतलब देश उन्हें महान सैनिक के रूप में याद करेगा। द पोएट शोज हिज लव टू द लैंड ऑफ हिज कंट्री। इस तरह से कवि जो है अपने मातृभूमि के प्रति, अपने देश के प्रति प्यार को दर्शाते हैं कि देखो मैं कितना देश से प्यार करता हूं कि मरने के बाद भी मुझे याद किया जाएगा महान सैनिक के रूप में और अपना देश के सैनिक के रूप में याद किया जाएगा, मतलब इंग्लैंड के एक महान सैनिक के रूप में याद किया जाएगा। एवरी इंग्लिश सोल्जर, प्रत्येक अंग्रेजी सैनिक इज प्रोटेक्टेड एंड ग्लोरिफाइड बाय इंग्लिश ब्यूटी। अब प्रत्येक जो सैनिक है इंग्लैंड का वो सुरक्षित है, प्रत्येक इंग्लैंड के सैनिक जो है सुरक्षित है
और उसके साथ साथ क्या है, ग्लोरीफाइड है। ग्लोरीफाइड कहने का मतलब वो गर्वांगित है, प्रत्येक सैनिक सुरक्षित है और ग्लोरीफाइड है, गौरवांगित है, उसको महिमा मंडित है। किसके द्वारा? तो इंग्लैंड की सुंदरता से। कह रहा है कि प्रत्येक सैनिक जो है इंग्लैंड की सुंदरता से गौरवांगित है, महिमा मंडित है, सुरक्षित है। मतलब कि प्रत्येक सैनिकों को इंग्लैंड ने महिमा मंडित किया है, गौरवांगित किया है, सुरक्षित किया है। ही सेज हिज हार्ट विल गेट प्यूरिफाइड एंड इट विल बिकम ए पार्ट ऑफ गॉड। कह रहा है कि उनका हृदय जो है वो स्वच्छ हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा और वो देवता का एक अंश बन जाएगा। वो कहते हैं कि उनका हृदय स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा और एक देवता का अंश बन जाएगा, भगवान का एक अंग बन जाएगा। ही विल कॉन्स्टेंटली एंजॉय द मदरलैंड साइट्स। और कहते हैं कि वो निरंतर, कॉन्स्टेंटली मतलब निरंतर, वो अपने मातृभूमि के उन नजारों का आनंद लेते रहेंगे जहां पर उन्होंने जन्म लिया है। वो कहते हैं कि हम लगातार अपने मातृभूमि के उन साइट्स, कहते हैं तो दृश्य नजारों का आनंद लेते रहेंगे। ही थिंक्स इवन इन हिज डेथ, वो ये सोचते हैं कि यहां तक ही अगर उनके मृत्यु के दौरान भी ही वुड फील पीस इन हिज हार्ट। वो कह रहा है कि अगर मृत्यु भी हो जाती है, मरणो दौरान, मरणोपरांत जिस समय वो अगर मर भी जाते हैं, मृत्यु के अंतिम चरण में भी वो अपने आप को किसे महसूस करना चाहते हैं, पीस इन हिज हार्ट, उनके हृदय में शांति मिलेगा। वो अगर युद्ध के मैदान में, विदेशी जमीन में मर भी जाते हैं तो ही वहां पर उनको शांति प्राप्त होगा। बिकॉज ही विल डाई फॉर हर मदरलैंड, क्योंकि वो अपने देश के लिए मरेंगे, क्योंकि वो अपने देश के लिए मरेंगे। मदर इंग्लैंड विल बी प्राउड ऑफ हिम एंड विल रिमेम्बर हिम। मातृभूमि जो इंग्लैंड है वो उनसे गर्वांगित होगा, मातृभूमि इंग्लैंड जो है उन पर गर्व करेगा और उन्हें याद करेगा। दस द पोएट शोज हिज स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट एंड पेट्रियोटिज्म एज इंग्लिश सोल्जर। इस तरह से कवि जो है वो दर्शाता है, सोच करता है, हिज स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स मतलब कि प्रबल भावनाओं को, एंड पेट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति को, इंग्लिश एज इंग्लिश सोल्जर, एज इंग्लैंड के सोल्जर के रूप में। अतः जो कवि है वो अपने अंदर में जो उनकी संवेदना है, सेंटिमेंट्स, जो संवेदना है, एक मजबूत संवेदना को और एक देशभक्त सैनिक के रूप में, इंग्लैंड के एक देशभक्त सैनिक के रूप में अपने आप को अतः दर्शाता है। तो इस तरह से कवि जो अपने देश के प्रति जो गुणगान है उसको इस कविता के माध्यम से किया है और बताया है कि वो कितना देश के प्रति समर्पित है। मरते दम तक वो देश को याद रखना चाहते हैं और कहीं भी मर जाते हैं फिर भी वो कहते हैं, देशवासियों से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें याद किया जाए। तो इंग्लैंड के एक महान सैनिक के रूप में जो इंग्लैंड के लिए जिया और इंग्लैंड के लिए मरा। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो उसे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है ताकि आपके दोस्त भी ये ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देख सके।